नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही घंटे पहले आए एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। बता दे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हालांकि इसके साथ साथ झारखंड के बचे 38 सीटों के लिए भी चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। दोनों राज्यों में मुकाबला एनडीए और एनडीए के बीच है। बता दे, महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसी के साथ ही झारखंड में बचे 38 विधानसभा सीटों पर भी 20 नवंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर सीधा मुकाबला है। एक तरफ जहां बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी भी जीत का दावा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो सर्वे सामने आ गए, लेकिन एक सर्वे जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। इसमें राज्य में महायुति या महाविकास अघाड़ी में से किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका खुलासा सर्वे ने किया है। हालांकि नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही ये जो आंकड़ा निकल कर सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। इससे पहले मेट्राइज ने भी एक सर्वे जारी किया था। मेट्राइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। मेट्राइज सर्वे ने क्या आंकड़े जारी किए हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी अभी कुछ घंटों पहले लोक पोल ने जो अपने सर्वे जारी किए हैं, भविष्यवाणी जो उसकी सामने आई है उसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और महायुति को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दे, लोकपोल ने एक महीने से ज्यादा समय तक व्यापक जमीनी अध्ययन करने के बाद इस सर्वे रिपोर्ट पेश किया है। लोकपोल के सर्वे का जो नमूना है, प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लगभग 300 नमूने हैं, कुल मिलाकर लगभग 86,400 नमूने लिए गए हैं। लोकपोल ने जो सर्वे जारी करते हुए भविष्यवाणी की है, इसके मुताबिक राज्य में महाविकास अघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक महाविकास अघाड़ी को राज्य की कुल 288 सीटों में से 151 से 162 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं लोकपोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति को 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लोकपोल के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की प्रबल संभावना है। लोकपोल ने महाराष्ट्र में किसको कितने प्रतिशत वोट शेयर मिलेगा यह भी आंकड़ा जारी किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी को मिले वोटों में कोई खास अंतर नहीं नजर आया, लेकिन विधानसभा में अलग तस्वीर देखने की उम्मीद है। लोकपोल के मुताबिक महायुति को 37 से 40% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि लोकपोल के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के खाते में 43 से 46% वोट शेयर जा सकता है और अन्य के खाते में 16 से 19% के साथ 5 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लोकपोल सर्वे में कहा गया है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। महायुति और महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिल रही हैं, मिल सकती हैं और उन्हें कितने फीसदी वोट शेयर मिल सकते हैं, इसके आंकड़े तो लोकपोल ने प्रकाशित किए हैं, लेकिन लोकपोल ने पार्टी वार अनुमान की घोषणा नहीं की है। लोकपोल सर्वे के मुताबिक महायुति में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और ठाकरे की शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब है कि इस बात की पूरी संभावना है कि लोकसभा का परिणाम विधानसभा में भी दोहराया जा सकता है। लोकसभा नतीजों के मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से स्थिति देखे तो आपको बता दें, लोकसभा में महायुति को सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली, वहीं महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से इस स्थिति को देखे तो लोकसभा में महाविकास अघाड़ी 153 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महायुति 127 पर आगे चल रही है। हालांकि इस बात की कितनी संभावना है कि विधानसभा नतीजा भी लोकसभा चुनाव जैसा ही होगा, यह कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को अलग तरीके से देखा जाता है और विधानसभा चुनाव को क्षेत्रवार तरीके से देखा जाता है। इसलिए इस बात की बहुत कम संभावना है कि जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ वैसा विधानसभा चुनाव में हो। हालांकि लोकपोल के आंकड़े तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के 145 के जादुई आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है।
और वहीं लोक पोल के मुताबिक महायुति बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रही है। और लोक पोल का यह सर्वे का आंकड़ा कितना सही है कितना गलत यह तो 23 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन मैटराइज ने जो सर्वे आंकड़े जारी किए हैं ये लोक पोल के बिल्कुल उलट है। लोक पोल जहां महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं मैटराइज के मुताबिक यहां पर महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मैटराइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाली एनसीपी के गठबंधन की महायुति की राज्य में सरकार बनने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार को झटका लगने का अंदेशा जताया गया है। मैटराइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से भाजपा नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि महायुति को मैटराइज के मुताबिक बहुमत मिलने के आसार हैं। वहीं विपक्षी यानी महा विकास अघाड़ी को 106 से 126 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। कुल मिलाकर मैटराइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बन सकती है। वहीं सर्वे में वोट शेयर के लेकर भी आंकड़े जारी किए गए हैं। वोट शेयर के मामले में भी सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के विपक्ष पर भारी पड़ने की संभावना है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को महाराष्ट्र में 47% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी को 41% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है और सर्वे में अन्य को 12% तक वोट शेयर मिलने के कयास लगाए गए हैं। मैटराइज सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और थाने कोंकण क्षेत्रों में भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, जहां उसे क्रमशः 48% और 52% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी को उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में 47% और 44% वोट शेयर मिलने की संभावना है। बता दे मैटराइज का सर्वे 10 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच किया गया है। मैटराइज सर्वे का जो सैंपल साइज है उसमें इस सर्वे में राज्य के 109,628 लोगों की राय शामिल की गई है। इसमें 57,000 से अधिक पुरुष, 28,000 से ज्यादा महिलाएं और 24,000 युवाओं की राय शामिल की गई है। वहीं मैटराइज ने महाराष्ट्र में सीएम पद की पहली पसंद कौन है इसको लेकर भी सर्वे जारी किया है। सर्वे के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर महाराष्ट्र की जनता इस बार किसे मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है। मैटराइज सर्वे में यह निकल कर सामने आया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फेस के लिए एकनाथ शिंदे सबसे पसंदीदा चेहरे बने हुए हैं। महाराष्ट्र के लोगों से जब यह पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पहली पसंद कौन है तो 40% लोगों ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में सहमति जताई है। हालांकि 65% से अधिक लोगों ने शिंदे के कामकाज से संतुष्टि जताई है, जिसमें 42% ने बहुत अच्छा और 27% ने औसत बताया है। वहीं उद्धव ठाकरे 21% और देवेंद्र फडणवीस को 19% लोगों ने सीएम फेस के लिए समर्थन दिया है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के खराब प्रदर्शन की संभावित कारणों पर पूछे जाने पर लगभग 48% लोगों ने इसका कारण शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में विभाजन को बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना ने लोगों के बीच खासा असर डाला है। इस योजना को 45% से अधिक लोगों ने सकारात्मक क्रिया दी है और इसे चुनाव में गेम चेंजर माना जा रहा है। हालांकि सरकार की इस लोकप्रियता में इजाफे के बावजूद सत्ता परिवर्तन की मांग बनी हुई है। बहरहाल 20 तारीख को महाराष्ट्र की सभी 288 सीटें पर वोटिंग हो जाएगी और 23 तारीख को इन सभी के नतीजे सामने आ जाएंगे। तब जाकर यह साफ हो पाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बन रही है, कहां कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।